अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। जहाँ तो हम इफ्तार पे ही रहे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट इफ्तार करते हैं। और वैसे तो हम लोग जो है वो बहुत सारे बुफेज और रेस्टोरेंट्स जाके इस दफ़ा थोड़े से थक गए, तो हमने सोचा कि इस बार जो है वो हम ऐसा करते हैं कि हम पिक करते हैं इफ्तार और कहीं और जाके जो है वो इफ्तार करते हैं। कोई जगह ढूंढते हैं, कोई स्पेस ऐसी हो जो मज़ेदार सी हो। सो लेट्स सी, अभी हम लोग रास्ते में से कहीं से इफ्तार पिक करेंगे और उसके बाद फिर जो है ना कोई ऐसी क्वाइट और पीसफुल सी जगह ढूंढेंगे इफ्तार के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। अरब्स जो होते हैं वो जाके जो है वो किसी डेजर्ट में, किसी पार्क में इस तरीके से जो है वो पिकनिक्स करते हैं। हमारे पाकिस्तान में इस तरीके का ट्रेंड नहीं था, तो जब हम यहाँ पे आए तो हमें काफ़ी जो है ना वियर्ड सा लगता था ये। लेकिन ये कि इट्स अ गुड ट्रेंड। वैसे हम लोग डेजर्ट वगैरह में जाके बारबेक्यू, पार्क में बारबेक्यू तो बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन इफ्तार का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टूडेंट्स बिरयानी, क्योंकि टेक अवे के लिए बिरयानी से बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो हम उनके इफ्तार मील्स चेक करते हैं क्या क्या है और फिर आपको दिखाते हैं। यस, सो प्रिटी। हम आ चुके हैं स्टूडेंट बिरयानी। काफ़ी बिजी होगा ये, लेकिन हमें टेक अवे करना है। गाइस, हमने टेक अवे कर लिया इफ्तार बॉक्सेस इनके, और अब वहाँ जाके जब मैं निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी क्या क्या है इसमें। वैसे दे हैव रियली गुड एंड रीजनेबल इफ्तार डील्स। यह हमें ब्रिज के साथ बिल्कुल एक बीच प्लेस नज़र आई है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ जाके चेक करें। गाइस, हम जो है वो स्पॉट ढूंढ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हम एक ही जगह आए और वहाँ पर हमें अच्छा स्पॉट मिल गया। हम लोग अभी जो है वो बतीन बीच पर हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि व्यू कैसा है और हम कहाँ बैठने वाले हैं। सारी पार्किंग है इधर, ये फेमस ब्रिज है हमारा अबू धाबी का, और ये ओपन बीच है। ये देखिए, दैट प्लेस अ लिटिल क्राउडेड, इसीलिए हम वहाँ नहीं जा रहे, वरना वहाँ पे प्रॉपर इन्होंने जो है ना हट्स टाइप के बनाए हुए हैं शेडेड। वी आर थिंकिंग टू गो दिस साइड, दिस साइड। हाय, ये देखें क्या फिट पार्किंग स्पॉट हमें मिला है। आई दी होल्ड दिस, ओके, यस, पुट इट डाउन। वाओ, वेल डन। गाइस, ये हमारी छोटी सी पिकनिक हो रही है एंड मिरहा एंड आइजल आर हेल्पिंग देयर डैडी। गाइस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सब जो है वो इफ्तार इंजॉय करने का वेट कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। सो फैमिलीज हु आर एंजॉयिंग। जो है ना गेम्स भी हो रहे हैं, फुटबॉल्स वगैरह, सिक्योरिटी भी है। सर्दी तो नहीं लगी आप लोगों को? जलेबी। व्हाट इज दिस? The kids are so excited to have jalebi in the menu, और जलेबी इन लोगों को हर तरह की मिठाइयाँ बहुत पसंद है, जलेबी भी बहुत पसंद है। और अभी मैं इन दोनों की कैंडिडेट्स कुछ पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रही थी। दिस इज़ हाउ आई मैनेज टू टेक पिक्चर्स। गाइस, हमारी इफ्तार बाहर आ चुकी है, सारी चीज़ें हमारे पास। ये दही बड़े हैं और चना चाट है, जलेबी है, बिरयानी है, लबन है, और इसमें जो है वो हमारे
पकोड़े हैं। इसमें क्या है? इसमें भी पकोड़े और आई थिंक इसमें हमारे समोसे हैं। दिस इज़ माई इफ्तार एंड इफ्तार विद अ व्यू एक्चुअली। और मैं काफ़ी टाइम से प्लान करी थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इट हैपेंड। सो इट्स रियली रियली पीसफुल फॉर मी। चना चाट इज सो गुड फ्रॉम स्टूडेंट बिरयानी। बहुत अच्छी, बहुत कम चना चाट अच्छी लगती है मुझे यहाँ पे यूएई में। दही बड़ी कैसे? अच्छा। ऑन हो गई हैं सारी लाइट्स, ऑन हो गई हैं ब्रिज की। बारी आ गई है बिरयानी की और बिरयानी तो है ही अच्छी स्टूडेंट्स बिरयानी की, कराची वाली बिरयानी है। मेरा और आइजल सारा गार्बेज फेंक रही हैं, डस्टबिन्स यहाँ पे लगे हुए हैं। वेरी गुड, वी हैव टू थ्रो ऑल द गार्बेज। Why? Beautiful. It's beautiful. Yeah. Give me this. I want to see. Give me this. Why you want this? I want to. Yay! Hazard? No, can you give me? What? Give me this. I need to check the. I need to check the sun. Oh, I was set up. That's I was set up. सो गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। वी स्पेंड हियर गुड 2 आवर्स लेकिन अब थोड़ा सा चिली हो गया है, विंडी, तो बच्चों की वजह से हम निकल रहे हैं क्योंकि फिर ठंडक हो गई है थोड़ी। एंड आई गेस आई एम गोना वाइंड अप दिस व्लॉग हियर। आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो बहुत इन्जॉय की हो। हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और रास्ते में अभी हम लोग चाशा आ गए क्योंकि हमें चाय लेनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाय हमें मिली नहीं। उन्होंने कहा कि 30 मिनट्स लगेंगे तो हम वापसी निकल गए। और ये देखें रास्ते में शेख जायद मॉस्क कितनी खूबसूरत रख रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल तो शेख जायद मॉस्क की जो वीडियोज़ आ रही हैं दे आर ब्रेथ टेकिंग। और अब हम लोग नाना हाउस आ गए, हमने कहा चलो अपने करीब से ही जो है वो चाय ले लेते हैं। चाय के साथ साथ हमने ले ली है कुल्फ़ी और नाना हाउस की कुल्फ़ी अबू धाबी में वन ऑफ़ दी बेस्ट कुल्फ़ीज़ है। तो अगर आपने नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई करें बिकॉज़ ये कुल्फ़ी क्लोजेस्ट है पाकिस्तान वाली कुल्फ़ी के। एंड डू शेयर योर फीडबैक विद मी अबाउट दिस व्लॉग, आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कॉमेंट शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.